आज मेरी बहुत इच्छा थी कि मां के दरबार में हाजिरी लगा कर आऊं, मगर तीसरी सभा भी रख दी रामबन में, हो नहीं पाया। मैं आज मां के चरणों में वादा कर जाता हूं, सुनील और हमारी बहन परिहार को जिता दीजिए, यहां मैं मां के चरणों में शीश झुकाने जरूर आऊंगा। फादर और नागसेनी की इस पवित्र भूमि ने कई सालों तक भारत को मजबूत रखने का, एक रखने का साहस भी दिखाया है, हौसला भी दिखाया है और इसके लिए बलिदान भी। आज जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र अगर तिरंगे से शोभित है तो मैं इस भूमि के हमारे पूर्वजों को इसके लिए सत सत नमन करूं। भी तो हमने वो दिन भी देखे, विभाजन के दिन देखे, 90 में आतंकवाद के दिन देखे। चंद्रकांत शर्मा हो या परिहार बंधु हो, वो सभी ने कुर्बानियां दी। मैं आज इस क्षेत्र के शहीद सभी भाइयों को याद कर आपके बीच में वादा कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। मैंने जानबूझ पर कहा था मेरी पहाड़ियों में सभा जरूर लगाना। अभी अभी 90 की तरह प्रयास हो रहे हैं यहां आतंकवाद को फिर से मजबूत करने की। एनसी कांग्रेस ने कुछ वादे भी ऐसे किए हैं, उनकी सरकार आएगी तो इन आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मैं आज मां के स्थान के सामने आप लोगों को कहकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत की भूमि पर आतंकवाद को फंसा। हमने वीडीजी और एसपीओ के तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। 303 की पुरानी भारी राइफलों की जगह इनको एसएलआर से लैस कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक ऐसी सुरक्षा ग्रिड भी खड़ी कर रहे हैं, जितने लोगों को आने की इच्छा हो कहीं से भी आ जाए, सबका अंत यही पहाड़ियों में करने का काम हमारी सेना और हमारे जवान करेंगे। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो ताकतों के बीच में, एक ओर एनसी और कांग्रेस है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 वापस आनी चाहिए क्या? गुर्जर भाई भी बताएं, आनी चाहिए क्या? ये आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता। मगर आप चिंता मत करो, मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं, ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है, आप चिंता करने की जरूरत। मैं आपको बताकर जाता हूं, मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। भारत के संविधान में धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं है, कोई। ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है,
अब कभी भी जम्मू कश्मीर में दो प्रधान, दो विधान, दो झंडे कभी नहीं हो सकते। झंडा एक ही होगा, हमारा प्यारा तिरंगा होगा और कोई नहीं। भाइयों बहनों, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम आरक्षण पर पुनः विचार करेंगे। वो पुनः विचार शब्द को जहां से मैं मत आइए, उनकी सरकार आई तो आरक्षण को हटा दें। जब पहाड़ियों को आरक्षण देने की बात आई, हमारे गुर्जर भाइयों को उकसाने का काम किया कि आप में से हिस्सा जाएगा। मैंने कहा था, गुर्जर भाइयों से वादा किया था, पहाड़ियों को आरक्षण जरूर मिलेगा, मगर गुर्जरों का आरक्षण तनिक मात्र कम नहीं होगा। और आज गुर्जरों का आरक्षण जस का तस रखकर पहाड़ियों को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज ये दूर सुदूर पहाड़ पर बसने वाले सभी अभिभावकों को कहने आया हूं कि वो दिन लग गए कि आपके बच्चों को ग्रेजुएशन नहीं किया जाता था, करने की संभावना नहीं थी। अरे ग्रेजुएशन छोड़िए साहब, ट्राइबल रिजर्वेशन है आपके पास, पहाड़ियों के पास, गुर्जरों के पास, आपके बच्चे कलेक्टर और डीएसपी बनकर देश भर में काम कर सकते हैं। ये अधिकार नरेंद्र मोदी को। भाइयों बहनों, उन्होंने कहा है कि हम हमारे परिवारों की सरकार चलाएं। नरेंद्र मोदी जी ने ये तीन परिवारों का यहां जो परंपरा था उसको समाप्त कर पंचायती राज प्रस्तावित किया। ग्राम पंचायत, ब्लॉक के चुनाव, जिले के चुनाव हुए और हमारे बच्चे, हमारे युवा आज उभरते हुए नेता बने हैं। कल विधानसभा और लोकसभा में यहां का प्रतिनिधित्व करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। भाइयों बहनों, एक और वो आतंक से लैस जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, दूसरी ओर मोदी जी विकसित जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। एक और वो माताओं बहनों को धारा 370 हटने से जो अधिकार मिला है वो अधिकार छीनना चाहते हैं। हम न केवल माताएं बहने, माताएं बहनों को तो अधिकार मिलना ही चाहिए, उसके साथ साथ गुर्जर, पहाड़ी, दलित और ओबीसी को भी आरक्षण का अधिकार देना चाहते हैं। मित्रों, ओबीसी को भी। मैं आज मेरे मित्रों और यहां के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा के लिए वोट मांगने आया हूं। आप बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैं जब धारा 370 हट गई और डिलिमिटेशन का काम चल रहा था, ये आपके अपने बेटे सुनील ने जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन को न्यायिक करने के लिए भाजपा की ओर से बहुत अच्छे से सिफारिशें की। और आज मैं कहकर जाता हूं, सुनील शर्मा को विधायक आप बनाइए, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। हम इस क्षेत्र में जिस प्रकार का जनप्रतिनिधि चाहिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मोदी जी की ऑफिस में ही विराजमान है। अच्छा है या नहीं है भाई, जोर से बोलो, है या नहीं है। अब साथ में यहां से विधायक भी चुनकर दे दो, आपका सारा काम ये दोनों की जोड़ी कर देगी, मैं वादा करता हूं। आप हमारे हाथ मजबूत करिए,
हम विनीजी और एसपीओ को मजबूत करेंगे और आतंकवाद को पाताल तक दफन करने का काम करेंगे। आप हमारे हाथ मजबूत करिए। यहां नीलम की खदानें जो भ्रष्टाचार के कारण कभी खुली ही नहीं, इन नीलम की खदानें खुलेगी, राज्य सरकार का खजाना भी भरेगा और पादर के युवाओं को नौकरियां भी मिलेगी, रोजगार मिलेगी। पादर संस्कार रोड, ये नामियार ऐसे ही नहीं आए हैं, सुनील को जिताने के लिए उनको मालूम है, जीत जाएगा तो रोड भी बनेगा, लद्दाख का भी भला होगा और जम्मू का भी भला होगा। टूरिज्म को विकसित करने के लिए पीर पंजाल की इस और जम्मू क्षेत्र में कभी काम नहीं किया गया है। मैं आज कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, सुनील को जिता दीजिए, पूंछ रजौरी में पहलगांव से भी अच्छा पर्यटन का स्थान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तवी नदी पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और ढेर सारे काम मैं बाद में बताऊंगा टूरिज्म के क्षेत्र में किए जाएंगे। करथई का हाइड्रो प्रोजेक्ट आज तय मानकर चलिए, सुनील को जिता दीजिए, डॉक्टर साहब को जिताया है, 3 महीने के अंदर इसका काम हम शुरू करने का काम। हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर रिजर्वेशन आरक्षण 3 प्रकार का किया है, एससी एसटी और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी आरक्षण किया है। तो यहां के जो गुर्जर और पहाड़ी लोगों को जो आरक्षण मिला है, इसके अलावे सीमांत और पहाड़ी क्षेत्र के आरक्षण में भी आपको ज्यादा हिस्सा मिलेगा और पैरामिलिट्री फोर्सेस का यही पहाड़ियों से रिक्रूटमेंट करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो ये लोग 2 झंडे फिर से लाना चाहते हैं। पादर वाले बताए मुझे, आप सहमत हो क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? 2 दरबार फिर से लाना चाहते हैं, सहमत है क्या? और 2 संविधान फिर से लाना चाहते हैं, आप सहमत है क्या? भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन ये हमेशा से आतंकवाद का पोषक रहा। जब जब घाटी में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, इसको आतंकवाद को बढ़ावा दिया। याद करिए 90 के दशक को। मैं आज यहां से पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला जी को, आप मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी के साथ समझौता कर चुन कर आए, जब हमारी पूरी कश्मीर घाटी, हमारी ये पहाड़ियां आतंकवाद से खून से लथपथ हो गई, आप कहां थे? कहां थे? आए तो पूछना जरूर। मैं बताता हूं, वो लंदन में गर्मियों का वैकेशन करने चल गए थे। तो लंदन में गर्मियों का वैकेशन, जिन्होंने गठबंधन ने नेहरू परिवार, नेहरू परिवार, गांधी परिवार और अब्दुल्ला परिवार, जिन्होंने यहां पर आतंकवाद फैलाया, वो फिर से आपके आशीर्वाद लेना चाहते। उन्होंने जम्मू कश्मीर के महाराजा को न केवल अपमानित किया, उनके मृत्यु तक वापिस नहीं आने। मुझे अभी किसी ने महाराजा करण सिंह के युवा दिनों का एक वीडियो भेजा है, जिसमें करण सिंह जी कहते हैं, मेरे पिताजी को
जम्मू कश्मीर से निकाल दिया गया, आने नहीं दिया गया और केवल उनकी अस्थियां जम्मू में वापिस आई। अस्थियां जम्मू जिन्होंने महाराजा का इतना अपमान किया, कश्मीरी पंडितों को बेदखल किया, आतंकवाद फैलाया, आरक्षण को रोक कर रखा, माताओं बहनों के आरक्षण को भी रोक कर रखा, वो एनसी कांग्रेस को फिर से लाना चाहते हैं आप? जोर से बोले, चाहते हैं क्या? नहीं लाना है तो आपका, आपके लिए एक ही विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां से छिटाना। और भाइयों बहनों, कभी कोई हारने वाली पार्टी के साथ बैठता है क्या? बैठता है? बैठना चाहिए। और ये लोग क्या समझते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार जनता को? ये कहते हैं हम धारा 370 वापिस ला देंगे। भाई मुझे बताओ, दिल्ली में किसकी सरकार है? अरे जोर से बोलो, किसकी है? तो मुझे बताओ अब्दुल्ला साहब, अब 370 कहां से वापिस लाओ? ये कहते हैं हम गुर्जर पहाड़ियों का आरक्षण ले लेंगे। अरे दिल्ली में किसकी सरकार है? मैं कह कर जाता हूं, ना आतंकवाद वापिस आएगा, ना 370 वापिस आएगी, ना गुर्जर और पहाड़ियों का आरक्षण हम जाने देंगे। मेरी बात। और उमर अब्दुल्ला साहब, मैं आपको दिल्ली से देखता रहता हूं, कभी आप कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि कहां से जीतोगे इसका विश्वास नहीं, कभी गंदरबल से लड़ने की बात करते हो, सामने कोई युवा खड़ा हो जाता है तो कहते अब मैं दो सीटों से लड़ूंगा, जहां से लड़ना हो लड़ो। उमर अब्दुल्ला जी, आपकी हार इस बार निश्चित है, जाति की क्षमता आपको। भाइयों बहनों, मैंने अभी एक एनसी के प्रत्याशी का निवेदन सुना है, 4 तारीख के बाद हम आपका हिसाब किताब करेंगे। भैया ठिकाना बता देना, कहां करना है हिसाब किताब, हम उपस्थित हो जाएंगे। वो दिन लग गए जब आप पहाड़ियों को धमकाते थे, डराते थे, हमारे गुर्जर भाइयों को पैसों के आधार पर बिकने वाले बताते थे। अब ना आप गुर्जरों का अपमान कर सकते हो, ना पहाड़ियों का, ना किसी को डरा सकते हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी की भी हिम्मत नहीं है बदला क्या, बाद में भाषण करने की किसी की हिम्मत नहीं रहेगी, ऐसे परिणाम आए। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस और राहुल बाबा दोनों जम्मू कश्मीर को फिर से एक बार आतंकी आग में झोंकना चाहते हैं। हम आज कह रहे हैं ढेर सारे वादे हमने यहां पर करे बगैर काम किया है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाया, पाटर में आईटीआई बनाया, 3 उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बनाई, पाटर में उप जिला अस्पताल बनाया और पाटर नागसेनी लद्दाख के जनसंस्कार को जोड़ने वाली सड़क का भी हमने निर्माण करने का निर्णय किया है। और आज मैं कहकर जाता हूं, हमारी जम्मू कश्मीर सरकार बनने के बाद मचेल माता यात्रा स्थान को राज्य सरकार बहुत अच्छे तरीके से विकसित कर भारत के पर्यटन के नक्शे पर रखने जा रही है। भाइयों बहनों, यहां पर हाइड्रो पावर का तोहफा भी आपको मिलेगा। पाडर में और किश्तवाड़ में पहला, जोर से ताली बजाना जरा, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज हम बनाने वाले हैं। 130 नए
टावर्स लगाए जाएंगे जो सुरक्षा बल और आपको कनेक्टिविटी देंगे। अभी मोदी जी ने कैबिनेट में प्रस्ताव किया है कि 100 की आबादी वाले क्षेत्र को भी 100 और उससे कम आबादी वाले क्षेत्रों को भी रोड से जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। मुझे मालूम है पूरे देश में इसका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है तो मेरे किश्तवाड़ के क्षेत्र में होने वाला है। किश्तवाड़ के क्षेत्र आपकी नाशपति को हम जियो टैग देने का प्रयास कर रहे हैं। गुच्ची और चिलगोजे को पूरे विश्व के बाजार में पहुंचाने के लिए एक कॉपरेटिव का संस्थान भी हम यहां पर बनाएंगे और रिवर ड्राफ्टिंग और एडवेंचर टूरिज्म ये दोनों के यहां ट्रेनिंग के स्कूल बनाएंगे जिससे रिवर ड्राफ्टिंग और एडवेंचर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है। भाई और बहनों, हमने संकल्प पत्र में तय किया है बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं। हर घर में सबसे वरिष्ठ माता बहन को एक साल का 18,000 रुपए का चेक नरेंद्र मोदी जी भेजेंगे। एक दीपावली में और एक रक्षाबंधन में उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। छोटे से छोटे किसान को अब 6,000 की जगह 10,000 मिलेंगे। बिजली के बिल में 50% कटौती करेंगे। अब आपके बच्चों को मेट्रो पे बिठाने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। जम्मू और श्रीनगर में भी मेट्रो बनने वाला है, आप चिंता मत। हर साल आतंकवाद की आग में टूटे 100 मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे। तवी रिवर फ्रंट बनाएंगे। रंजीत सागर डैम में झील विकास प्राधिकरण बनाकर वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत करेंगे और जितने भी लोगों को नुकसान हुआ है वो सभी के पुनर्वसन का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किश्तवाड़ और डोडा में आयुष हर्बल पार्क बनाएंगे। जम्मू में आईटी हब बनाएंगे और उधमपुर में फार्मास्यूटिकल हब बनाकर जम्मू संभाग के क्षेत्रीय विकास बोर्ड की रचना करेंगे जिसमें आपका प्रमुख हिस्सा होगा। भाइयों बहनों, अटल आवास योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास के लिए 5 मरला मुफ्त जमीन देंगे। एससी और एसटी पहाड़ियों को और गुर्जर भाइयों को जो आरक्षण मिला है वो नौकरी का है, अब प्रमोशन में भी आपको आरक्षण मिलेगा। आपका बच्चा चीफ सेक्रेटरी भी बन सकता है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर विकास की एक बयार लाई, पूरे देश को विकास के रास्ते पर ले। हमारे इस प्रदेश को, खूबसूरत पहाड़ियों को 30-30 साल से आतंकवाद की आग में झोंकने का काम एनसी और कांग्रेस ने किया है। मैं आपको फिर से एक बार वादा करना चाहता हूँ, किसी की अब हिम्मत नहीं है। एक खूबसूरत वादियों में, आसमान को छूने वाली पहाड़ियों में आतंकवाद को बढ़ावा देने की, आतंकवाद को पाताल में दफन करने का काम हम करें। भाइयों बहनों, चुनाव के लिए मतदान बड़ा जरूरी और आप सभी लोग जिन कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, मैं आपसे एक वादा लेंगे। आपका, आपके परिवारों का और साथ ही सारे रिश्तेदार दोस्तों का वोट जरूर करवाएंगे और कमल के निशान पर कराएंगे। मुझे बताइए आप कराएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं कहते भाई, घाटी तक आवाज जानी चाहिए। कराएंगे, भाजपा को जिताएंगे, सुनील शर्मा को विधायक बनाएंगे, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनाएंगे।
दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की वंदे, वंदे, वंदे। बचेल माता के दरबार को प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।